पंजाब कांग्रेस के पूर्व नेता नवजोत सिंह सिद्धू के जेल में डायट चार्ट को लेकर उनके वकील एसपीएस वर्मा ने पटियाला में अदालत में एक अर्जी दायर की। आपको बता दें कि दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने इस मामले में जवाब न देने के निर्देश जारी किए हैं। तो वहीं एडवोकेट वर्मा ने जेल प्रशासन की तरफ से जवाब न देने की निंदा की है और साथ ही कहा है कि यह ठीक नहीं है, जबकि वह नवजोत सिंह सिद्धू की सेहत के साथ जुड़ा मामला है। एडवोकेट एसपीएस वर्मा ने अदालत में अर्जी दायर करके अदालत को यह बताया कि नवजोत सिंह सिद्धू को लीवर की समस्या है और उनकी बीमारी का स्तर 3 तक पहुंच चुका है। इसके अलावा उसे खून गाढ़ा होने की बीमारी भी है, क्योंकि लीवर की बीमारी के कारण दवा नहीं ले सकते, इसलिए खून गाढ़े को पतला करने के लिए देसी नुस्खे अपनाने पड़ते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू के वकील ने बताया कि इसके अलावा गेहूं, घी, तेल, तली हुई चीजें, मक्खन, जैम, मैदा और यहां तक कि हर तरह का फल भी नहीं खा सकते। उनकी डाइट स्पेशल होती है, जिसमें बिना बीज के फल, चुकंदर, पपीता, खास तापमान पर गर्म दूध के अलावा कई खाने पीने की वस्तुएं शामिल है। आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू रात को देर से सोए और सुबह जल्दी उठ गए और बाकी कैदियों की तरह ही उनका रूटीन रहा, क्योंकि मुलाकात भी मंगलवार और शुक्रवार को ही हो सकती है, इसलिए आज उनसे कोई भी मिलने नहीं पहुंचा। जेल के अंदर नवजोत सिंह सिद्धू अपने आप को एक नई जिंदगी में ढाल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।